Hello students, in this video we will discuss the meanings and definitions of education and philosophy. Meaning of education. Etymologically, the word education is derived from the Latin words educare and educere. Educare refers to bring up or to nourish. यानी इस एजुकेयर का मतलब है कि पोषण करना, बालकों को विकसित करना. सेकेंड वर्ड है एजुसेयर, इट मींस ब्रिंग फोर्थ और ड्रैग आउट, यानी बालकों के अंदर जो क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालना, उनको विकसित करना. अर्थात एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालकों को जीवन जीने के योग्य बनाया जाए, समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाया जाए, उनके अंदर मूल्यों का विकास किया जाए, और ये सब उनके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में. सम अदर्स बिलीव दैट द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अनदर लैटिन वर्ड एजुकेंटम. एजुकेंटम के दो कंपोनेंट हैं. नंबर वन ई, विच इम्प्लाइज अ मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, एंड सेकेंड वर्ड मीन्स ड्यूको. ड्यूको मीन्स डेवलपिंग और प्रोग्रेसिंग. यानी ई का मतलब है कि अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाला जाए, और ड्यूको का मीन्स है विकसित किया जाए. नाउ we will discuss the definitions of education. According to Aristotle, the creation of a sound mind in a sound body. अर्थात एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास एक स्वस्थ शरीर में ही होता है. According to John Dewey, education is the process of the reconstruction of experience, giving it a more socialized value through the medium of increased individual efficiency. Means शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम पूर्व अनुभवों को दोबारा से इकट्ठा करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, और इससे हमारे अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास होता जाता है. ये जॉन डेवी के अनुसार. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, एजुकेशन मींस ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच इज लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन. अर्थात शिक्षा का मतलब है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सारे जो मूल्य होते हैं वो पहले से सुप्त अवस्था में रहते हैं, और उन मूल्यों की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है. अर्थात वो सब लोगों के द्वारा मान्य होते हैं. तो इन मूल्यों को या इन आइडियाज को बाहर निकालना ही शिक्षा है. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. गांधी जी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संपूर्ण विकास हो, मनुष्य का संपूर्ण विकास हो, किसी व्यक्ति में या किसी बालक में, उसकी शरीर में, उसके मस्तिष्क में और उसकी सोल में जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उनका विकास करना ही शिक्षा है. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, बिलीव्ड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से उपस्थित जो योग्यताएं हैं उनका स्पष्टीकरण होना, उनका विकास होना. According to Rabindranath Tagore,
Education means enabling the mind to find out that ultimate truth which emancipates us from the bondage of dust and gives us wealth not of things but of inner light, not of power but of love. It is a process of enlightenment. It is divine wealth. It helps in realization of truth. यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार एजुकेशन एक ईश्वरीय संपदा है। इससे हम सांसारिक नहीं बल्कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, ईश्वरीय प्रकाश प्राप्त करते हैं, हमारा इमेंसिपेशन होता है, हमें इससे पावर नहीं बल्कि इससे हमें प्रेम मिलता है। ये एक ऐसी संपदा है जो हमारे अंदर जो प्रकाश है उसको ज्वल कर देती है और हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर करती है और हम जो वास्तविक सत्य है उसको पहचान जाते हैं। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ फिलोसफी। द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, अर्थात ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार, ऐसे विश्वास जो हमें जीवन का अर्थ समझाएं, वही दर्शन शास्त्र है। सेकंड डेफिनेशन, अ सेट ऑफ बिलीफ दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव। यानी विश्वास का एक ऐसा संग्रह जिससे हमारे जीवन की व्याख्या होती हो, उसका एक कोई अर्थ समझ में आता हो और हमें ऐसे नियम और विनियम मिलते हो कि हम किस तरह से बिहेव करें। देयर आर सम डेफिनेशंस ऑफ फिलोसफी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, फिलोसफी इज अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट, अर्थात जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उनका आविष्कार करना ही ये दर्शन शास्त्र है। Now, according to Plato, he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed as philosopher. अर्थात दार्शनिक वो है जिसको ज्ञान की लगन हो, वो ज्ञान को जानने के लिए प्रबल इच्छा हो उसमें और वो अपने ज्ञान से कभी संतुष्ट ना हो, अर्थात जो ज्ञान है उस वो असीमित है, वो और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। इन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र ब्रह्मांड का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि हम इस ब्रह्मांड को अपने योग्य बनाएं, ऐसा इसमें परिवर्तन करें जिससे ये ब्रह्मांड हमारे अनुसार हो जाए, हम इसमें रहें। नेक्स्ट है कांट। अकॉर्डिंग टू कांट, फिलोसफी एज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यानी दर्शन शास्त्र विज्ञान का और आलोचना का एक ऐसा संग्रह है जिससे हमारा संज्ञान प्रभावित होता है, हम अपने संज्ञान का उपयोग करने लगते हैं। हमारे संज्ञान से मतलब है कि हमारे सोचने की क्षमताएं, विचार की क्षमताएं, हमारी रिकॉलिंग, हमारी मेमोरी, तार्किक शक्ति, ये सब संज्ञान में है। अकॉर्डिंग टू रसेल, फिलोसफी प्रॉपर्टीज विद मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट टू द जनरल एजुकेटेड पब्लिक एंड लूजेस मच ऑफ इट्स वैल्यू इफ ओनली अ फ्यू प्रोफेशनल्स कैन अंडरस्टैंड इट। यानी फिलोसफी या दर्शन शास्त्र एक ऐसा विचारों का संग्रह है जो जनरल पब्लिक के लिए उपयोगी हो, ऐसे आइडियाज जो कि हम जो फिलोसफर्स देते हैं, अगर वो आइडियाज जनरल पब्लिक के लिए ना होकर एक विशिष्ट व्यवसाय के लिए ही है तो वो फिलोसफी नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन philosophy and education. Thank you.